हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सूरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रिपो गाइड। तो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कैसे आप प्रीमियर प्रो की मदद से अपना पहला ट्रैवल वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में थोड़ी भी जानकारी है, प्रीमियर प्रो पे आपने पहले एडिट किया है, तो ये पार्ट शायद आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक एडिटिंग मोबाइल के थ्रू या कोई और ऐप के थ्रू करी है और आप प्रोफेशनली अपना कोई ट्रैवल वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, एक अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमारे ट्रैवल वीडियोस भी देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप प्रीमियर प्रो की मदद से अपना पहला ट्रैवल वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप सीख पाएंगे कैसे वीडियो को इम्प्रेसिव बनाएं, अच्छा बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। चाहे विंडो में कर रहे हो या फिर मैक में, आप इसे ओपन कर लीजिए। पहला विंडो आपको कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कीजिए, इसको आप दीजिए टेस्ट का नाम, या फिर आप दे सकते हैं टीजी टेस्ट यानी ट्रिपो गाइड टेस्ट। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर का पहला पेज ओपन होता है जिसमें आप देखेंगे फाइल, एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर, ग्राफिक्स, विंडो, हेल्प, इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। असेंबली, एडिटिंग, कलर, इफेक्ट्स, ऑडियो, ग्राफिक्स, लाइब्रेरी, यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर तरफ आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अब आपको ये समझना है कि कौन सी विंडो या कौन सा टैब आपके काम का है, आपको क्या समझना है। अब देखिए, पूरे अगर आप पूरे स्क्रीन पर देखेंगे तो एडिटिंग पर ब्लू हो रखा है, यानी कि हम जिस मोड पर हैं वो वीडियो एडिटिंग मोड है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आप देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। अगर आप चाहें तो इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, माउस से आप राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप उसको ऊपर ले आ सकते हैं ताकि आपको, और आप अगर आपको दिखेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट टीजी टेस्ट, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आप पढ़िए। देखिए, आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ लिखी है वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, यानी कि आपने जो भी मीडिया, यानी कि जो भी आपने फुटेज यानी ग्राफिक्स या फिर कोई इमेज, ऑडियो, कोई भी मीडिया आपने जो इस्तेमाल करना है एडिटिंग के लिए, वो सब इम्पोर्ट जो होगा वो इस टैब में होगा, यहाँ पर इम्पोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर आपका है सोर्स, इफेक्ट कंट्रोल्स, यानी कि जो इफेक्ट्स है वो यहाँ से कंट्रोल होंगे, ऑडियो मिक्सिंग यहाँ से होगी, मेटा डेटा को अभी हम छोड़ देते हैं। इस टैब को, इस विंडो को, इस टैब को आपको समझना होगा कि यानी कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पर भी अपना वर्क, यानी जो भी आपने अपना फुटेज रिकॉर्ड किया है या जो भी आपने डेटा सेव किया हुआ है, वो वहाँ पर आप जाकर उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कुछ एक इमेज है, अगर हम इसको देखना चाहें, ब्लैक इमेज, इसको इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से जितनी भी आप ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज़ है वो यहाँ पर इंपोर्ट होती रहेगी। ये आपका इंपोर्ट, जहाँ पर आपका सारा कलेक्टिवली फुटेज आएगा। इसी तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हैं, और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी टाइमलाइन। इस टाइमलाइन पर ही हम काम करते हैं, यानी कि जो भी हमने वहाँ पर इंपोर्ट किया है इस टैब में, उसको हम ड्रैग करके लेकर आएंगे यहाँ ड्रॉप मीडिया टू क्रिएट सीक्वेंस। जो सीक्वेंस की यहाँ बात बोल रहा है, ड्रॉप मीडिया नहीं, ये मीडिया जो यहाँ लेकर आए हो उसको आपको यहाँ पर ड्रॉप करना है, और फिर जो आपका सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस का मतलब आपकी स्टोरी यानी कि आपका वीडियो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं। अब हम ले रहे हैं एक वीडियो को ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएँ इस बात को, पूरे चीज़ को। तो हमने अपने ही पुराने वीडियोज़ में से किसी एक वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। छोटा सा सीक्वेंस है, वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ पर टाइमलाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। अभी टाइमलाइन पर आ गया, जो इसका ऑडियो है वो ऑडियो की टाइमलाइन पर चला गया, जो वीडियो है वीडियो, अभी ये कनेक्टेड है दोनों फाइल्स। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ पर इसकी टाइमिंग ये जो दिख रही है टाइमिंग, ये ड्यूरेशन है। ऑडियो लेवल थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए अब इसको हम प्ले करते हैं, यानी कि अब हमें वीडियो प्ले करके देखना है। तो उसके लिए जो की है हमारी, एक तो आप देखेंगे जैसे जैसे जिस हम पॉइंट पे जा रहे हैं वो उसके आउटर लाइन पर ब्लू हो जाता है। तो जैसे हमें टाइमलाइन पर कुछ प्ले करना है तो हम सबसे पहले तो टाइमलाइन पर आएंगे और ये जो कर्सर है इसको आराम से उठाकर हम वीडियो की स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके जाएंगे और स्पेस बार प्रेस करेंगे। प्ले, स्पेस बार दबाने से ही पॉज भी हो जाएगा।
मान लीजिए अगर हमको सीन कट करना है, मान लीजिए आप डिसाइड कैसे करेंगे किस पॉइंट पर आपको कट करना है, यानी आपको लगता है यार ये दो लोग एक्स्ट्रा दिख रहे हैं इनको हटाते हैं, यहाँ से सीक्वेंस लेते हैं, यानी आपका जो एरो मार्क है, जो ये मार्कर है, ये जब ये यहाँ पहुँचे यहाँ कट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे सबसे नीचे साइड पर ये दो बॉल्स बने हैं, ये एक्चुअली में इसको स्क्रीन को बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए है, इसको हम बड़ा करते हैं और हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कट करना है, तो कट करने की शॉर्टकट की इसमें है सी, आप कीबोर्ड सी दबाइए इसके अंदर टैब के अंदर आके, तो ये कटिंग वाला बन जाएगा, तो आप फिर माउस से राइट क्लिक करिए एक नीचे एक हिट, ऑडियो और वीडियो दोनों पर आपने किया, फिर अगेन इस पर आप वी दबाइए तो ये माउस पर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप सेलेक्ट कीजिए नॉर्मल डिलीट बटन दबा दीजिए, फिर नीचे सेलेक्ट कीजिए फिर नॉर्मल डिलीट कर दीजिए, फिर आप देखिए जो खाली एरिया इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं, आप देखिए आपका जो अप सीक्वेंस शुरू होगा वो प्ले करें, आप चाहते हैं कि वो यहाँ से शुरू हो और तो आपने यहीं पॉज करा, आपने सी प्रेस किया, आपने इसे कट किया, ऊपर कट किया, फिर आपने वी दबाया माउस लाके और आगे से भी डिलीट कर दिया, अब आप दोबारा प्ले करके देखिए, इस तरीके से हम सीक्वेंस को अब लगा लीजिए, इसके बाद कुछ और सीक्वेंस जोड़ना चाहते हैं तो वो वहाँ यहाँ पर आप इंपोर्ट कीजिए, उसके आगे इसको लगाते जाइए एडिट करते जाइए, अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो के साथ जो ऑडियो है उसको आप म्यूट करके पीछे कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको जो वीडियो में ऑडियो है, जो वीडियो के साथ कनेक्टेड वाला ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उसको आपको म्यूट करना होगा, अगर आप ऑडियो A1 टाइमलाइन में, यानी कि अगर ऑडियो की बात करें तो ये A1, आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो A1 है, इस पर एक M लिखा हुआ है म्यूट ट्रैक, आप जब इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो नीचे लिखा आता है म्यूट ट्रैक, तो उसको आप म्यूट कर दीजिए, फिर आप अपने फिर से हम इंपोर्ट मीडिया वाले सेक्शन में जाएंगे, इस वाले सेक्शन में, और ऑडियो को इंपोर्ट करेंगे, आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए एंड देन उसको फिर से ड्रैग कीजिए और A2 वीडियो ऑडियो ट्रैक सेकंड पे लेके आइए, क्योंकि आपने A1 को म्यूट रखा है, अगर आप उसको इसी पे लगाना चाहेंगे तो वो वहाँ पर वो म्यूट रहेगा, तो आपको उसको A2 पे लगाना है, अब फिर से आप उसे प्ले करके देखिए, कट करने के लिए अगर आप वैसे कट करने के लिए आपको सी दबाना है इसी टाइमलाइन के अंदर, जब सी दबाएंगे तो ये एक सीजर की तरह बन जाएगा, जहां आपको कट करना है आप उस पे जाइए और माउस से राइट क्लिक करिए, कट हो गया, अब आप वी प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, वो फिर से कर्सर हो जाएगा, देन सेलेक्ट कीजिए जिस पार्ट को आपको डिलीट करना है, डिलीट प्रेस कीजिए डिलीट हो जाएगा, एक बार फिर से प्रेस कर कर हम स्पेस बार प्रेस करेंगे और वो वीडियो को प्ले करके देखेंगे ऑडियो के साथ कैसा लग रहा है, तो इस तरीके से आपका वीडियो दिखेगा, क्योंकि आप पहली बार अपना वीडियो एडिट कर रहे हैं, ये आपका पहला एक ट्राई है, टेस्ट वीडियो है, तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत कुछ आपको सीख जाए इस बारे में, कलर ग्रेडिंग भी पता लग जाए आपको, स्लो मोशन भी आ जाए, ये सब भी आ जाए, सिर्फ आप सीन दर सीन लगाना सीखिए, यानी सीन के बाद सीन लगाना सीखिए, जब आप सीक्वेंस प्रॉपरली बना लेंगे देन आप एक नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, कलर ग्रेडिंग इफेक्ट्स ये सब नो, एक स्टेप के बाद हर एक बात, तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप सीन को सही से कट कर पाएँ, और कई सारे सीन्स लगाने के बाद, 10-12 सीन, 50 सीन, 100 सीन लगाने के बाद एक पूरी आप एक स्टोरी डेवलप कर पाएँ, जब आप बेसिक कट पेस्ट नीचे ऑडियो लगाकर एक सीन बना लेंगे, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट के बारे में सोचिए, तो अभी हम आपको सिर्फ सीन के बाद सीन लगाना ही बताएंगे इस वीडियो में, तो चलिए हमने अभी अभी हमने ये सीख लिया है कि कैसे आप ऑडियो को वीडियो को इंपोर्ट करेंगे, ऑडियो कैसे इंपोर्ट करेंगे, फिर आप कैसे कट पेस्ट करके उसको एक सिंक में लेकर आएंगे, हमने पहला स्टेप यहाँ पर कर लिया है, तो चलिए इस सीन के बाद एक और सीन लगाते हैं, फिर देखते हैं कैसे उसको मैच करते हैं, तो फिर से हम इम्पोर्ट वाले टैब में जाएंगे, माउस से क्लिक करेंगे जहाँ हमने डेटा सेव किया है, वहाँ पर जाकर वीडियो को इम्पोर्ट करेंगे, कोई भी वीडियो जो उसके सीक्वेंस में लग पाए हम उसको लगाएंगे, तो हमने सेकंड वीडियो ये ले लिया है, अब इसको हम वीडियो को ड्रैग करके इसके आगे लगाएंगे, अब हम देखेंगे कैसे इसको हमें मैच करना है, म्यूज़िक को पूरा प्ले कर देते हैं, यहाँ तक हम मान के चलते हैं कि ये म्यूज़िक के साथ यही वीडियो हमारा मैच कर रहा है, तो हम इस पर सीक्वेंस बनाएंगे,
चलिए देखते हैं, अब प्ले करते हैं पहले इसको। वीडियो में हम कोई ऐसा पॉइंट देखना चाहेंगे जहां पर वो वीडियो इंटरेस्टिंग लगता हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां थोड़ा सा आपको एक कुछ एक पॉइंट मिल रहा है जहां से ये इसको बीट करके निकल रहा है। तो हम यहां से इस वीडियो को ले लेते हैं। कट करने के लिए आपको मैं बता ही चुका हूं, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बार बार मुझे एक चीज़ ना बतानी पड़े। तो बेसिकली इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और उस वीडियो को पीछे इसके ड्रैग करके बेसिकली ले आएंगे। चलिए देखते हैं फिर से एक बार प्ले करें कैसा दिख रहा है। हम इस पॉइंट को इतना ही लगा रहे हैं, दोनों को मैं इस टाइम डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीक्वेंस कैसे बनता है। इसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा, अगर आप म्यूज़िक के साथ वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आया कि ये पॉइंट पर हम जहाँ पर म्यूज़िक थोड़ा चेंज ले रहा है वहाँ पर हम एक कट लगाकर वीडियो को चेंज कर सकते हैं। आपको खुद से एक रिदम समझ में आने लग जाएगा वीडियो और ऑडियो के बीच में। देखिए तो हमने दो सीन को अब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, पीछे म्यूज़िक लगा दिया। इसी तरह आप कई सारे सीन्स लगाकर पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको अब हम प्ले करके देखते हैं। तो ये दो सीन है, इसी तरह आप कई सारे सीन लगा सकते हैं और एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, 10 मिनट की, 1 मिनट की, जितना भी आप चाहते हैं, जितने सीन्स लगाकर आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे आप सीन के बाद सीन कैसे आप एडिट करेंगे, सीन अगर बहुत लंबा लग रहा है तो कहाँ आप कट लगाएंगे, ऑडियो कैसे लगाएंगे और एक सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे के बाद तीसरा सीन कैसे लगा के पूरी स्टोरी बनाएंगे। ये आपका पहला स्टेप है सॉफ्टवेयर को समझने का और अपनी वीडियो एडिटिंग की शुरुआत करने का। इतना सीखने के बाद आपको एक टेस्ट करना है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट है, जो शुरुआती दौर पर मैंने भी किया था, जिससे मुझे लगा था कि एडिटिंग में मुझे कुछ समझ में आने लगा है और आपको भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। वो ये है कि आपको कोई भी इंग्लिश सॉन्ग यानी हॉलीवुड मूवी का कोई भी सॉन्ग लेना है, वीडियो हॉलीवुड की इस्तेमाल करनी है और जो ऑडियो है यानी बॉलीवुड म्यूज़िक इस्तेमाल करना है, हॉलीवुड वीडियो एंड बॉलीवुड म्यूज़िक। जब आप उसको सिंक करेंगे यानी कि आप उसके सीन को अपने हिंदी बॉलीवुड सीन से मैच करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आप कैसे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगा कि सीन को हम कैसे मैच करते हैं, वर्ड्स के साथ कैसे कैसे सीन्स को मैच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं आपको एक अपना पुराना काम का यानी पुराने एक वीडियो का एक लिंक दूंगा जिसमें आपको वो सॉन्ग और वो वीडियो दिख जाएगा, तो आप सेम कर सकते हैं, सेम मतलब ऑडियो और वीडियो ले सकते हैं और उस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। आप उस वीडियो को कीजिए, टास्क जब आपका पूरा कंप्लीट होगा आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको काफ़ी बेटर फील होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी जो एडिटिंग स्किल है वो काफ़ी बेटर हो गई है, यानी जीरो लेवल से थोड़ा आप बेटर कर चुके हैं। उसके बाद आप हमारी सेकंड वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको हम कंप्लीट एक वीडियो एडिट करके बता रहे हैं, कलर करेक्शन, ऑडियो, कुछ इफेक्ट के साथ भी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी, जिससे कि आप अपनी वीडियो को एक सिनेमैटिक रूप भी दे पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर हमें कीजिए। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, आपको हम उसका रिवर्ट ज़रूर देंगे। देखते रहिए ट्रिपो गाइड, हैव अ ग्रेट वीकेंड।